हे गाइस, टेक एकांत चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो मेरा नाम एकांत डांगी। तो आज हमारे सामने है फोटोकॉपी की मशीन है, कैनन की IR 2525। तो ये दे रही है लाइनिंग, ऊपर ब्लैक ब्लैक कलर का मार्क आ रहा है इसमें, जैसे कि देखिए ये इधर की साइड इस तरह से। तो इसको सही करेंगे तो एक पेज में एक बार फिर से आपको निकाल के दिखा देता हूँ। इधर से निकलेगा तो देखते हैं क्यों आ रहा है ये ऐसा। लाइनिंग आने के काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। लेज़र पे धूल आ सकती है या फिर जो इसका ड्रम है उस पे आ सकता है, उस पे लाइनिंग आ जाती है वो ख़राब होने के कारण, या फिर जो इसमें इंक है वो ख़राब हो गई है उसके लिए भी आ सकता है। ब्लेड है वो उस पे ब्लेड ख़राब हो गया उसकी वजह से आ सकती है। तो देखिए कुछ इस तरह से धब्बे आ रहे हैं इस पे पेपर पे, और यहाँ पर आ रही है लाइन। लाइन मोटी सी आ रही है, छोटी मोटी भी नहीं है। तो इसको करेंगे हम ठीक, इधर से ओपन करेंगे इसको और आपको दिखेगा उधर ब्लैक कलर का मार्क इधर हल्का सा। ये देखिए यहाँ पे, इधर आपको दिखेगा यहाँ पे। तो इसको साफ करेंगे हम खोल के। तो हम इस रोलर को यहाँ से निकाल लेंगे और इसको साफ करेंगे, ब्लेड को साफ करेंगे। अगर इसमें कोई वेस्टेज वाली इंक है जो इसमें पाउडर है उसको भी हम निकाल देंगे अगर जरूरत पड़ी तो। तो इधर से हम इसको ओपन कर लेते हैं, यहाँ से इसको यहाँ से खोल लेंगे। यहाँ से खोल लिया, इसको रखेंगे, इसमें वेस्ट वाली इंक है रखेंगे यहाँ की साइड से। तो ये देखिए यहाँ पे है ये, इधर ये वाला ओपन करेंगे हम, और एक ये इधर की साइड है इसमें, एक ये इधर, इसको ओपन करेंगे तो ये यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो हम यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं, इसको निकालते हैं इधर से। यहाँ से निकाल दिया, इधर वाले में से ये निकालेंगे। इसको यहाँ से इसको हम बाहर निकालते हैं। तो जैसे ही आप इसका ये वाला स्क्रू और ये वाला स्क्रू यहाँ से ओपन कर लेते, तो एक बार इसको इधर की साइड करेंगे और यहाँ से इसको ऐसे निकाल लेंगे तो ऐसे ही निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ से निकल गया है, इधर लाइनिंग है, इसको करेंगे हम सही, इसको साफ करेंगे खोल के एक बार। इधर आ जाओ, इस वाले पैकेट पर रख लेते हैं। तो यहाँ से हम इसको ओपन कर लेंगे, थोड़ा ध्यान से करना आप, और क्योंकि काफ़ी नाजुक चीज़ है टूटे ना। इसको यहाँ से लॉक कर लो क्योंकि इसमें से इंक निकल जाती है, ठीक है। अब इसको करेंगे ओपन, यहाँ से इसको पहले खोल लेंगे हम इधर से। निकाल दिया है, ये भी यहाँ से निकालेंगे। तो ये यहाँ से निकल गई, इसको यहाँ से गीले कपड़े से हम साफ कर लेंगे एक बार, इसको करेंगे बाद में। तो एक बार हम सारा खोल देते हैं, ये खुलेगा इधर से। तो यहाँ लॉक लगा रहता है, वो टूट गया, तो इधर से इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ से खुल गया, तो देखिए यहाँ से आपको दबा के करना होता है, यहाँ से उठा के और उसको यहाँ से नीचे दबाने का होता है। इसको दबाओगे तो ये ओपन हो जाएगा, जैसे इसको आप दबाते हो तो इधर ये देखिए इधर की साइड, इसको आप खोलोगे तो ये रोलर निकलेगा यहाँ से। तो इसको मैं खोल देता हूँ, ये देखिए थोड़ा टाइट है।
ये आ गया बाहर। तो एक बार मैं इसकी क्लीनिंग कर देता हूँ। और ये देखिए ये है ब्लेड इसका, ये देखिए यहाँ पे इंक पूरी भर गई है। तो इसको करेंगे क्लीन एक बार ओपन करके, इसको भी यहाँ से इस ब्लेड को खोल देंगे इधर से भी। तो ये निकाल दिया है और सेम ये वाला इधर से खोलना है। ये भी ओपन कर दिया है, प्लेट को यहाँ से आराम से निकाल लेंगे। तो ये देखें यहाँ से निकल गया, इंक पूरी भर गई है इसमें। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, इसको हम कर देंगे खाली। तो एक बार मैं कुछ लेके आता हूँ कुछ निकालने के लिए, या फिर हम इस पेपर पे ही हम निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ रखेंगे बाहर, लेड भी रखेंगे इधर की साइड, इसको भी कर देंगे साइड में, इसको भी कर देंगे साइड में। एक बार ये पैकेट झाड़ देते हैं और ये इंक डालेंगे इस पर। तो इसमें डाल देते हैं, एक्स्ट्रा हो गई थी इसमें, कुछ ख़राब भी होगी इसमें। तो कोशिश करना आप ये वापस ना डालो इंक, अगर आप डालते हो तो चांसेस होते हैं चीज़ ख़राब होने के, तो इसे ना ही डालो तो बढ़िया है, क्योंकि रोलर ख़राब हो जाता है इसमें, वेस्टेज वाली इंक है ये। तो वेस्टेज वैसे उसमें भी आ जाती है कई बार, अगर इसमें भरी हो तो इसको निकालने में बेटर है। हमने निकाल दिए इधर से, तो ये देखिए यहाँ पे सारी निकाल दिए, ख़त्म हो गई है पूरी, इतनी सारी इंक थी इसमें, ये निकाल दी हमने पूरी की पूरी। अब इसमें करेंगे हम थोड़ा सा गीले कपड़े से, वेट कपड़े से इनकी सारी सफाई। तो इसको रख देंगे हम साइड में और इनकी करेंगे सफाई। इसके अंदर मारने की जरूरत नहीं है आपको, बस बार बार मार सकते हो, क्योंकि जो इंक है वो साफ़ हो जाए बाहर की जो है। तो इसको रख देंगे इधर, हम मारेंगे रोलर पे। ये हल्का सा गीला कपड़ा हमने लिया है, ज़्यादा नहीं। तो ये देखिए ये भी हो गई है। अब ये ले लेंगे रोलर, ये ब्लैक कलर का, इस पर भी हमने मार दिया है। अब ये लेंगे ब्लेड, लाइनिंग आने के काफ़ी सारे चांसेस होते हैं, तो मैंने ये सारी चीज़ें एक ही बार में बता दी है। तो ये वाली चीज़ आप करोगे तो ठीक हो जाता है, और फिर भी ठीक ना हो तो फिर आपको ये ड्रम बदलवाना पड़ता है, जो कि ये ग्रीन कलर का इस तरह से दिख रहा है आपको। तो सब कुछ हमने कर दिया, अब इसको करेंगे वापस से सेट। तो सबसे पहले लगाएंगे इसमें ब्लेड, ब्लेड इस तरह से। तो ये हमने यहाँ लगा दिए, बस नॉर्मली टाइट करेंगे, ज़्यादा जोर लगाएंगे नहीं, क्योंकि प्लास्टिक का सामान लगा हुआ है सारा, ज़्यादा लगाएंगे तो क्रैक आ सकता है। अब लगाएंगे रोलर हम इसमें, और रोलर लगाने के बाद तो ये देखिए इस तरह से ये हुक है इसमें, मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको इस तरह से ये, और ये लगेगा इसके अंदर। ये देखें यहाँ पे लाइट जला, तो ये देखिए यहाँ पे इसके अंदर जाके लगता है ऐसे। तो ये दिखाते हैं, ये देखिए इस तरह से ये इसके रोलर के अंदर फिट कर देता हूँ। ये चले चला गया, अब ये निकलेगा नहीं बाहर। तो अब इसमें स्क्रू लगा देंगे और करेंगे टाइट। तो ये हो गया हमारा एक काम खत्म, और उसके बाद लगाएंगे ब्लैक वाला, ये इसको पता नहीं कहते क्या है, पर अब इसको करेंगे, इसको भी लगा देते हैं इसका स्क्रू।
हो गया, अब यहाँ इसमें लगा देते हैं, इसको लगा के फिर टेस्ट करेंगे हम कि लाइनिंग आ रही है या नहीं आ रही है। तो फिट हो गया हमारा सिस्टम सारा कुछ, अब लगाएंगे इधर की साइड से। इधर लगा हुआ था एक स्प्रिंग, कहाँ गया स्प्रिंग, ढूंढते हैं। सामान का आपको काफ़ी ध्यान रखना है, गुम ना हो जाए। ये रहा हमारा स्प्रिंग, ये लगेगा इधर की साइड, स्प्रिंग यहाँ लगेगा और ये लगेगा इधर की साइड, ये गोल वाला कुछ इस तरह से, जो कि ये सेट बैठ जाए। सर ये भी लगा दिया इधर, सब कुछ हो गया सेट, इसको लगाएंगे। पहले ये निकल गया, इसको लगाते हैं हम। ये लगेगा ये इधर से लगेगा। आप भी अच्छी तरह ध्यान से ही करना, क्योंकि हो सकता है भूल भी जाओ। तो इसको लगा देते हैं, फिट कर देते हैं इधर से। तो ये देखिए लग गया है, करेंगे नीचे से। ये देखिए ये हो गया पूरी तरह से फिट हमारा, अब इसको लगा देंगे अंदर। तो ये आ जाओ इधर की साइड, कर देते हैं फिट। एक बार देखा यहाँ कुछ है तो नहीं, लाइट जला। इधर की साइड कुछ भी नहीं है, ऑल क्लियर है, सब कुछ सही है। तो ये देखें यहाँ लग गया है, अब इधर आ रहा है, अब इसको करेंगे यहाँ से टाइट। तो ये वाला लगाएंगे इधर की साइड, अब इसको करते हैं लॉक। ये हो गया लॉक अपना, करेंगे इसको टाइट। तो ये हो गया टाइट, अब इधर से कर देंगे, स्क्रू लगा देंगे यहाँ पे। ये भी लग गया है, ये बोतल लगेगी यहाँ पे स्टेज के लिए। यहाँ से लॉक लग गया, इसको करेंगे बंद, इसको करेंगे डोर ऑफ। अब देखते हैं कैसे चलती है। तो वाइट पेज हमने इसमें लगा दिया था, यहाँ से हम कमांड दे देते हैं एक, तो देखते हैं निकल के कि जो हमने जो साफ सफाई की थी, जो सर्विस की है, वो लाइनिंग अब हटी या नहीं हटी। तो देखिए काम हो गया सही, जो लाइनिंग आ रही थी ऊपर वो अब नहीं आ रही है, जैसी हमने इसकी की थी। तो ये देखिए, और जो हमने इससे पहले जो फोटोकॉपी की थी, प्रिंट जो दिए थे, उनके ऊपर आ रही थी ऐसे लाइनिंग, सभी के ऊपर जितने भी पेज हैं, तो इस तरह से आ रही थी। तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरा कुछ बता दिया कि इस तरह से आप कर सकते हो अपने खुद ही सर्विस। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो उसके रिगार्डिंग, तो वो भी आप कमेंट पूछ लेना। थैंक यू।